अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए बहुत ही प्यारे प्यारे पम्प्स शूज डिज़ाइनिंग आइडियाज़ लाई हूँ, जो कि ब्राइडल्स के लिए भी हैं और आप अपनी किसी भी फंक्शन यानी पार्टी में पहन सकती हैं। बहुत ही प्यारे प्यारे हैं और इनको बनाने का तरीका भी मैं आपको इस वीडियो में बताऊँगी, प्लीज़ लास्ट तक देखिएगा। अगर आपके सिंपल पम्प्स हैं और आप चाहती हैं उन्हें डिज़ाइनर लुक देना, तो आप मार्केट से कोई भी फ्लावर लेस, 3D लेस या आपके पास कोई ऐसा फैब्रिक हो जो नेट फैब्रिक हो, कटिंग कर आप वो भी ग्लू गन की मदद से या जो मार्केट में वाइट ग्लू आता है उसकी मदद से भी अटैच कर बहुत ही खूबसूरत शूज़ पंप बना सकती हैं। और इस तरह से फ्लावर भी लगा सकती हैं मार्केट से बनी बनाई, जो आपको पोनीज या हेयर कैच पर अच्छे अच्छे फ्लावर मिले आप वो अटैच कर सकती हैं, या फिर बने बनाए जो डेकोरेशन शॉप पर मिलते हैं फ्लावर वो लेकर भी लगा सकती हैं। और जो जरी हाउस से प्यारे प्यारे क्लच और ये जो हमें पक्कल कहते हैं यानी कि ब्रोच कहते हैं, वो भी लेकर आप बहुत ही खूबसूरत सा स्टोन वर्क का वो लगाएं, या इस तरह से बने बनाए बीड्स वगैरह भी आप लगा सकती हैं। पास स्टोन इनके ज़रिए भी पम्प्स बहुत खूबसूरत बनते हैं, बहुत ही हसीन यूनिक नया डिज़ाइन। अगर आप चाहती हैं बनाना तो आप इस तरह के कोई भी सिंपल नेट फैब्रिक के पम्प्स लें, उस पर कोई भी मटेरियल लगाएंगी वो इजीली लग जाएगा। और अगर लेदर का आपने पम्प लेना है तो वो भी आपका ग्लू गन की मदद से, या फिर जो वाइट ग्लू होता है मार्केट में मिलता है जो फर्नीचर में यूज़ होता है, वो लेकर भी आप इस तरह से कोई भी लेस, 3D लेस, पर्ल्स, स्टोन, बीड्स, कोई भी फैब्रिक, नेट फैब्रिक खूबसूरत एक्सपेंसिव सा वो कटिंग कर भी ऐसे लगा सकती हैं। तो उम्मीद करती हूँ आपको मेरा आइडिया अच्छा लगा होगा। अगर आपको इस तरह के शूज़ बनाने हो तो आप हमारे चैनल में कुछ वीडियोस देखें, आपको समझ आ जाएगा कि किस तरह से ये चीज़ें अटैच की जाती हैं। खूबसूरत पम्प्स और खूबसूरत शूज़ को बनाने का बहुत ज़बरदस्त तरीका और आइडिया है, इसे ट्राई ज़रूर कीजिएगा। अगर आपको आपकी मैचिंग के शूज़ मार्केट से ना मिल रहे हों तो आप इन चीज़ों से खूबसूरत शूज़ बना सकती हैं। और प्लीज़ तमाम उम्मत मुसलमान के लिए दुआ कीजिए, अल्लाह पाक हम सबको सेहत वाली, नमाज रोज़े वाली ज़िंदगी अता फरमाए, आमीन। पूरी दुनिया के हर इंसान को हर तकलीफ़, हर परेशानी, हर बीमारी से हमेशा हमेशा के लिए अल्लाह पाक बचा कर रखे, आमीन। आप हमेशा आमीन सुम्मा आमीन ज़रूर कहा करें, हो सकता है आपकी आमीन और सुम्मा आमीन से हम सब की दुआ कबूल हो जाए और पूरी दुनिया के लिए बाइस रहमत बन जाए, आमीन सुम्मा आमीन। इस तरह वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब लाजमी किया करें और बताया करें आपको हमारी वीडियोस को देखने के बाद के कैसी लगती हैं और मज़ीद किस टॉपिक की वीडियोस आपको अच्छी लगती हैं, ताकि हम उसी टॉपिक की वीडियोस आपके लिए बनाएं, अपलोड करें, आपको अच्छा लगे, हमें भी अच्छा लगे और आप इंजॉय करें। तो ज़रूर राय दीजिएगा और बताइएगा आपको हमारी वीडियोज़ और टिप्स और ट्रिक कैसी